26 जानेवारीच्या दिल्लीच्या पथसंचलनात निवड झालेल्या सना शेखचा सत्कार। महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करणार सना शेख, कन्नड तालुक्याचे नाव गाजणार दिल्लीत। कन्नड तालुक्यातील सना शेखची 26 जानेवारीसाठी दिल्लीतील नॅशनल परेडमध्ये निवड झाल्याबद्दल तिच्या आई बाबा व मामा यांनी तिचा मोठ्या अभिमानानं तिचा सत्कार करण्यात आला। यावेळी सनानं सांगितलं की माझी निवड करत असताना 7 राज्यातून प्रतिनिधित्व करण्याकरिता आलेले असताना माझी निवड त्यांच्यातून झाली म्हणून मला अभिमान आहे की मी महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करणार आहे। व तसेच तिने सर्व मुलींना सांगण्याचा प्रयत्न तिने केलाय की मी आपण कधीच हार मानायला नको, अण मुलगी आहे म्हणून आपण करू शकत नाही असं कधीच मानायचं नाही, आणि एक मोठा आदर्श घडून दाखवायचा हेच मला सर्व मुलींना सांगायचं आहे असं प्रतिपादन सना हिने केलं। सना ही नाशिकच्या BHMS चौथ्या वर्षाची विद्यार्थिनी असून नाशिकच्या मोतीवाला होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेजमध्ये शिकत आहे। तेथून तिची निवड राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या NSS अंतर्गत तिची निवड झाली। यावेळी उपस्थित तिचे आजोबा हाजी गुलाम मोहम्मद व मामा नूर मोहम्मद यांनी तिचा सत्कार केला व गावचे सरपंच कैलास सोनावणे यांनीही तिचे भरभरून कौतुक केलंय। यावेळी शेख शाबाबुद्दीन यांनी तिचा गौरव करत तिचा सत्कार केलाय। हॅलो, मेरा नाम सना शेख है, मैं मोतीवाला होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेज नासिक से पढ़ती हूँ। मेरा सिलेक्शन 2022 रिपब्लिक डे परेड के लिए हुआ है थ्रू NSS। जो NSS की प्रोसीजर है वो मंथ ऑफ सितंबर से ही स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कॉलेज लेवल पे जाते हैं, NSS के फॉर्म भरते हैं, फिर कॉलेज लेवल पे सिलेक्शन होता है एंड देन कॉलेज लेवल के बाद यूनिवर्सिटी हमें बुलाती है, तो उसमें डिफरेंट कॉलेजेस के बच्चे आते हैं एंड फिर वहां से सिलेक्शन होके एक बॉय और एक गर्ल जाते हैं जिसमें से एक मैं हूँ एंड उसके बाद फिर महाराष्ट्र लेवल सिलेक्शन होता है जिसका 10 डेज का कैंप होता है। देन उसके बाद हम लोग वेस्ट जोन के लिए कैंप पे गए थे NMU में, नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी। देन वहां पर डिफरेंट 7 स्टेट आए थे जिसमें इंक्लूड थे गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दमन एंड दीव एंड गोवा। वहां पर 200 स्टूडेंट्स आए थे। सो वहां पर हर जगह हर एक स्टेट का एक कोटा होता है जिसमें सिलेक्ट होते हैं। ड्यू टू कोविड इस बार जो कोटा था वो कम हो गया था और महाराष्ट्र से 4 लड़के और 4 लड़कियां सिलेक्ट हुई है एंड महाराष्ट्र में मैंने महाराष्ट्र कंटेजेंट को टॉप किया है वहां पर और मैं सिलेक्ट हुई हूँ फॉर रिपब्लिक डे परेड। अभी प्रोसीजर के हिसाब से कॉलेज लेवल, फिर यूनिवर्सिटी लेवल, देन महाराष्ट्र स्टेट लेवल, देन वेस्ट जोन रीजन। महाराष्ट्र न्यूज 10, मिलिंद कुमार लांडगे, कन्नड, औरंगाबाद। ताज्या आणि सुपर फास्ट बातम्यांसाठी महाराष्ट्र न्यूज 10 ला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा।